Assalamu alaikum. We'll be continuing chapter number 4, support and movement. Today we'll be covering extensive response questions, yani long answers. Jisme sirf teen sawal hai hamare paas. Question number 1 is prove that the skeletal system is a dynamic system. Yani prove karna hai the skeletal system jo hai hamara jo skeleton bana hua hai that is a dynamic system. The dynamic property of the skeletal system means that it is made of living tissues. It is capable of quick growth. It can adapt to stress. It can repair itself after damage. यहाँ पे dynamic system, ये dynamic property से मतलब है कि वो जो हमारा जो skeleton है वो living tissue से बना हुआ है, वो आसानी से grow कर सकता है और उसकी जो growing की speed है that is quite fast. It can adapt to stress, यानी कि जितना आप pressure डालेंगे bone के पे वो उसके हिसाब से adapt करेगा. यानी कि अगर आप जो है बोन्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो वो आपके जो बोन्स होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आप कम स्ट्रेस डालेंगे तो आपके बोन्स जो है कंपैरेटिवली वीकर होंगे. तो डिपेंड करेगा आप कितना स्ट्रेस डालेंगे उसके हिसाब से वो अंदर तब्दीली लेके आता है. इट कैन रिपेयर सेल्फ आफ्टर डैमेज, यानी कि इस पर जब चोट लग जाती है तो उसके बाद अपने आप को रिपेयर कर सकता है. लाइक फ्रैक्चर्स आते हैं तो उसके बाद बोन्स जो है अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं. तो ये चार क्वालिटीज हैं जिसकी बुनियाद पर हम लोग कहते हैं दैट स्केलेटल सिस्टम इज अ डायनामिक सिस्टम. नाउ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. दैट There are three types of cells associated with bones. Bones में तीन type of cells होते हैं. Number one, bone forming cells, यानी वो cells जो bones को form करते हैं, create बनाते हैं. That are osteoblasts. Osteoblasts are the cells that form bones. Mature bone cells, जो हमारे bones mature हो जाते हैं adulthood में, those are known as osteocytes. Bone dissolving cells, कुछ ऐसे bones होते हैं जिनको एक तरह से लाइक डिसॉल्व आता है कि लिमिट होती है, उसके बाद जो है न्यू बोन्स जो है उसकी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं. एंड दोस टाइप ऑफ सेल्स आर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स. सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बोन्स. ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन्स को बनाता है. ऑस्टियोसाइट्स जब बोन मैच्योर आते हैं तो फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं. एंड देन द सेल्स दैट डिसॉल्व द बोन्स दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट. 5 to 10% of our bones dissolve away annually and are replaced by new ones. यानी हमारे जो बोन्स हैं 5% से लेकर 10% तक जितने भी हमारे बॉडी में बोन्स हैं वो हर साल जो है डिसॉल्व होते जाते हैं और न्यू बोन्स तैयार होते जाते हैं. यानी जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो बोन को डिसॉल्व करता रहता है इसको और उसकी जगह पे न्यू बोन्स हमारे तैयार करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रीमॉडलिंग. यानी जब आप बचपन थे तो आपके जो बोन्स मौजूद थे आपकी बॉडी के अंदर वो उसको डिसॉल्व कर देता है और उसकी जगह पे ज्यादा बड़े बोन्स बना देता है जिसकी वजह से आपका कद बड़ा नजर आता है. ठीक है, तो वो जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें बोन्स को डिसॉल्व करके न्यू बोन्स बनाते हैं दैट प्रोसेस नोन एज रीमॉडलिंग. बोन रीमॉडलिंग इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. यानी ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये दोनों आपस में टीम वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं. कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी मतलब टीम वर्क करते हैं. इन द ग्रोइंग एज आर बोन्स एनलार्ज विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. हमारी जो ग्रोइंग एज होती है जिसको एडोलेसेंस कहते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, चाहे वो हाइट वाइज हो या मेंटली हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं हमारे ग्रोथ के हिसाब से एनलार्ज होते जाते हैं, बड़ा होता जाता है. द रिमॉडलिंग सिस्टम अलाउज अ स्केलेटन टू अल्टर द शेप एंड साइज ऑफ द स्केलेटन इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स. अब जो एडोलेसेंस में हम लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो उस हिसाब से हमारे जो स्केलेटन होते हैं अपने शेप और साइज को तब्दील करता रहता है. लाइक अगर सपोज हम किसी एथलीट की बात कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि वो भागम दौड़ी करते हैं, पूरा रनिंग करते हैं, ट्रैक में काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो बोन्स होंगे ज्यादा पतले और ज्यादा जैसे क्या कहते हैं उसके अंदर स्टेमिना कह सकते हैं उसके अंदर हो सकता है. इसी तरीके से जो हमारे पास जिमनास्ट होते हैं तो उनके जो बोन्स होते हैं ज्यादा फ्लेक्सिबल, उनके जॉइंट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. तो एडोलेसेंस में आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगे, अपने बोन्स को ट्रीट करेंगे, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स बनेंगे उस हिसाब से शेप और साइज उसका तब्दील होता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल द बोन्स कैरिंग हैवी लोड, यानी जो बोन्स वेट उठाने की आदत हो गए और सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम स्ट्रेस बिकम थिकर टू प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. यानी अगर आप बचपन से ही हैवी लोड उठाने की आदत होंगी आपके अंदर होंगे तो उसके क्या होगा कि आपके जो बोन्स जो होंगे जो चेंज होंगे वो ज्यादा मोटे बोन्स बनेंगे ताकि वो आसानी से टूटे नहीं. इसी तरीके से अगर आप हैवी लोड की आदत नहीं डालेंगे अपने बोन्स के अंदर तो आपके जो बोन्स होंगे कंपैरेटिवली पतले होंगे, दे विल बी थिनर कंपैरेटिवली. तो यानी कि आप जो भी एडोलेसेंस पे काम कर रहे होते हैं वो आपके बोन की शेप्स और साइज में तब्दीलियां लेकर आते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन इन ह्यूमन आर्म. ह्यूमन आर्म के अंदर जो फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन होता है उसको एक्सप्लेन करना है. फ्लेक्सियन रिफर्स टू द मूवमेंट
that decreases the angle between two body parts, bringing the bones together using joints. फ्लेक्सन में क्या होता है कि दो बोन्स इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं जॉइंट्स के थ्रू कि वो जो दो बोन्स होते हैं आपस के करीब आ जाते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, करीब आ जाते हैं दूसरे के. सो फ्लेक्सन ह्यूमन आर्म यानी हमारा जो आर्म है उसमें किस तरह से फ्लेक्सन होता है. वेन द बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स अपॉन द रेडियस बोन ऑफ द लोअर आर्म विच बेंड्स द आर्म एट द एल्बो. अब क्या होता है जब आप बाइसेप मसल को पुल कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो रेडियस बोन है यानी आपको आर्म का जो नीचे वाला हिस्सा है वो एल्बो के थ्रू करीब आ रहा होता है ऊपर वाले पार्ट के पास. दिस बेंडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लेक्सियन. द फ्लेक्सियन ऑफ द ह्यूमन आर्म डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन द उल्ना एंड ह्यूमरस. अब ये क्या करता है जब फ्लेक्सियन ह्यूमन आर्म को जब मूव कर रहे होते हैं जिसमें फ्लेक्सियन लेकर आ रहे होते हैं तो जो दो बोन जिनके बीच में एंगल कम हो रहा होता है दैट इज द उल्ना एंड द ह्यूमरस. इन दोनों बोन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा होता है. यानी इसमें आप देख सकते हैं जब फ्लेक्सियन कर रहे हैं तो हमारा जो उल्ना है एंड ह्यूमरस है इन दोनों के बीच में एंगल्स कम होते आ रहा है. जब इसको नीचे लेके जाएंगे एक्सटेंशन करेंगे तो उससे क्या हो गया उसका तकरीबन 180 डिग्री बन रहा है जबकि यहाँ पे जब फ्लेक्सियन कर रहे हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री आपका बन रहा है. तो यानी आपके जो एंगल है बिटवीन ह्यूमरस एंड उल्ना वो डिक्रीज होता है इन फ्लेक्सियन. एक्सटेंशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग यानी जब हम किसी पार्ट ऑफ बॉडी को स्ट्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है which increases the angle between the two body parts separating the two bones using joints. तो यानी जब आप bone को body part को straight करते हैं तो जो दो bones आप use कर रहे हैं उनके बीच में distance जो होता है वो increase जाता है. ठीक है, तो इस process को हम कहते हैं extension. Extension in the human arm, when the tricep muscles contract, it pulls on the ulna, which straightens or extends the arm. जब tricep muscle contract होता है तो उससे क्या होता है ulna जो है वो straight हो जाता है. This the straightening process called extension. Extension of human arm increases the this angle between the ulna and humerus. तो यानी के जो extension का process होता है उसके अंदर tricep muscle contract होता है और flexion में bicep muscle contract हो रहा होता है. तो इसके ऐसे difference आ रहा होता है. The last question: Explain disorders of bones and their causes. Bones में क्या-क्या खराबियां आ सकती हैं और उसके वजहात क्या क्या होती हैं. ओके, सो डिसऑर्डर ऑफ बोन. सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ बोन होता क्यों है. इफ कैल्शियम डेफिशिएंसी अकर इन द बॉडी ऑफ ब्लड अल्टीमेटली अफेक्ट्स द बोन. दिस डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन इज कॉल्ड हाइपोकैल्शेमिया नोन एज कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज. यानी बोन्स के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब के सब कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही होती हैं मोस्टली. तो इस कैल्शियम की कमी को हम लोग कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोकैल्शेमिया विच इज नोन एज कैल्शियम डेफिशिएंसी. हाइपो मीन्स कमी, कैल्शेमिया यानी कैल्शियम के सेंस में. अ लॉन्ग टर्म कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन लीड टू सेवरल डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स. और अगर हम काफी सालों तक काफी वक्त तक जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर रहेगी तो हमारे बोन्स उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे. नंबर वन डिसऑर्डर इज ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द एजिंग प्रोसेस. ये बुढ़ापे में होता है ज्यादातर. In this condition, the bones become porous. हमारे जो bones होते हैं उसमें काफी सारे holes हो जाते हैं और more spongy. यानी क्योंकि उनके बहुत सारे holes हो जाते हैं तो वो spongy type के आते हैं. अब holes हो जाते हैं तो इसका मतलब जो हमारे bones हैं they become thinner and weaker. यानी आसानी से टूट सकते हैं. यानी आप समझ लें एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें उसमें आप बहुत सारे holes बना लें तो उस holes की वजह से क्या होता है कि वो जो लकड़ी है वो कमजोर पड़ जाता है एंड देन उसको आप आसानी से तोड़ भी सकते हैं. सो इन दिस कंडीशन अ स्लाइट इंजरी ब्रेक्स द बोन. यानी अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो आपकी जो बोन है वो टूट जाती है. और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये औरतों में ज्यादा और मर्दों में कम होती है. कॉसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम. जब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है बॉडी के अंदर उस वजह से होता है. स्मोकिंग की वजह से होता है. अल्कोहल एंड हाई लेवल्स ऑफ TSH यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स. अगर इन हाई लेवल ऑफ TSH हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है. अगर स्मोकिंग या अल्कोहल पीते हैं तो उसकी वजह से भी होता है. और अगर विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी होती है बॉडी के अंदर तो उस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है. नंबर टू रिकेट्स. रिकेट्स इज सॉफ्टनिंग एंड वीकिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रेन. जब बोन्स बच्चों के अंदर कमजोर या नरम हो जाते हैं दैट कंडीशन इज नोन एज रिकेट्स. कॉजेज ऑफ रिकेट्स. रिकेट्स इज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी. Deficiency of vitamin D which leads to deficiency of calcium in bones.
अब अगर जो बच्चे हैं उनके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम है उसकी भी कमी हो जाती है, यानी कि हमारे बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। एंड नंबर थ्री इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज अ पेनफुल कंडीशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स। अब आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें तकलीफ होती है क्योंकि उसके अंदर कोई स्वेलिंग पैदा हो जाती है। कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज कॉज बाय इंजरी, कभी चोट लगने के वजह से जो है वो आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल करते हैं। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करता तो जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा हो जाता है। इन्फेक्शन, आपके जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन हो जाती है। ऑटो इम्यून सिस्टम, यानी कि आपके पास कोई ऑटो इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जेनेटिक मेकअप, यानी कि आपके डीएनए में आपको ये मिला हुआ था आपके पेरेंट्स की तरफ से। रिडक्शन इन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज जितना होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर उतने मिकदार मौजूद नहीं है, या सिनोवियल फ्लूड आपके जिस्म के अंदर उतनी मौजूद नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपके जॉइंट्स होते हैं लाइक घुटनों में, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोगों को घुटनों में तकलीफ होती है, उनको चलने में सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, तो वो आर्थराइटिस होती है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 4, एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन।